ग्वालियर में एक बेबस पति की कहानी काफी चर्चित हो रही है। एक महीने से दो मासूम बेटियों को गोद में लेकर पति अपनी लापता पत्नी की तलाश कर रहा है। पुलिस थाना से लेकर एसएसपी ऑफिस तक पत्नी को ढूंढ कर लाने की गुहार लगा चुका है। पति भगवान दास की पत्नी ममता 14 अगस्त को घर गृहस्थी का सामान लेकर लापता हो गई थी। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। 5 साल और 2 साल की बेटियों को साथ लेकर वह हर दिन सुबह इसी आस से निकलता है कि बच्चों को उसकी माँ से मिला देगा, लेकिन शाम को निराशा हाथ लेकर वापस लौटना पड़ता है। मासूम बच्चे भी पूछते हैं, पापा मम्मी कब आएगी। वह एसएसपी के दर पर पहुंचा तो उसका कहना था, साहब मेरी पत्नी को ढूंढ लाओ। एसएसपी ने उसे मदद का आश्वासन दिया है। शहर के जनकगंज में गोल पहाड़िया स्थित कंबल केंद्र के पास रहने वाले भगवान दास जाटव लगातार एक महीने से अपनी पत्नी ममता को तलाश कर रहा है। भगवान दास अपनी दो मासूम बच्चियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा और एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी से मदद की गुहार लगाई। बोला, 7 साल पहले 21 जनवरी 2015 को उसकी शादी रविदास नगर चंबल कॉलोनी में रहने वाले रतिराम नागोरिया की बेटी ममता के साथ सम्मेलन में हुई थी, जिसके कुछ साल बाद उसकी दो बेटियां हुई, जिसमें से 5 साल की बेटी का नाम प्रगति है और दूसरी 2 साल की बेटी का नाम साक्षी है। भगवान दास और ममता के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान उसके परिवार में कुछ आपसी विवाद हो गया तो वह पत्नी और दोनों बच्चियों को लेकर 14 अगस्त 2022 को शिवनगर गुप्तेश्वर पर रहने वाले मोनू तोमर के घर कमरा लेकर किराए से रहने लगा। घर छोड़कर बाहर किराए से जाते ही अचानक उसकी किस्मत रूठ गई। 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी ममता अचानक गृहस्थी का सामान समेट कर दोनों बच्चियों को घर पर छोड़कर गायब हो गई। भगवान दास शाम को जब मजदूरी कर घर वापस लौटा तो घटना का पता चला। उसने पत्नी ममता को ढूंढने के लिए रिश्तेदार और अन्य जान पहचान वाले लोगों से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका, जिसकी शिकायत भगवान दास ने जनकगंज थाने पहुंचकर पुलिस से की। पुलिस ने उसकी शिकायत पर पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन पुलिस भी उसकी पत्नी के बारे में अब तक पता नहीं लगा पाई है। पत्नी के लापता होने के बाद वह उसे तलाश ही रहा था कि इसी बीच पति को पता लगा कि उसकी पत्नी को डरा धमका कर सलमान नाम के युवक ने रखा है। जब भगवान दास ने वहां जाकर देखा तो सलमान खान कमरा खाली कर उसकी पत्नी को कहीं और ले गया। भगवान दास ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मासूम बच्चियों के पिता को जल्द उसकी पत्नी को तलाश करने का आश्वासन दिया है। लापता हो गई है मोनू तोमर के यहाँ से, अभी तक सर उसका पता नहीं चला है। पता नहीं कहाँ चली गई, 8 साल से मेरे साथ रहती, कोई सलमान खान लड़का है उससे, उसने मुझसे काम के बहाने से बोड़ापुर ले गए, 1 महीने उन्होंने वहाँ रखा और बेलापुर लाकर मेरी पत्नी को बातों में ले लिया है सर।